SN Live सच सबसे आगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। 20 तारीख को जो आप लोगों को पता है कि टाउन थाना क्षेत्र में अर्चना ज्वेलर्स शॉप में जो शाम को डकैती हुआ था, जिसमें कि कई अपराधकर्मी आके और लूट पी किया था, उसके जो शॉप के जो मालिक हैं ओनर हैं उनको गोली भी मारी गई थी। तो इस संदर्भ में जो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते सारे घटनास्थल का मुआयना किया और जो भी तकनीकी उसमें ये थे, साक्ष्य थे, CCTV कैमरा यान, उसके बाद टीम का हम लोगों ने गठन किया। टीम का नेतृत्व SDPO सदर कर रहे थे जितेंद्र पांडे और विभिन्न थानों के SHO उसमें टीम थे, एक SIT की टीम जो हमारी थी उसमें थी। तो हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया है। ये घटना कारित करने वाले पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि चार अभी हम लोग आपके सामने रखे थे। एक जो अभियुक्त था जो इस घटना में शामिल था, वो एक दिन पहले गुठनी में आर्म्स और लिकर के साथ पकड़ा गया था, तो उसके लिए गुठनी में अलग से केस है। तो चार अपराधियों का जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक सोनू शाह है जो कि मुफसिल का रहने वाला है, मनीष जो है वो रहने वाला गोपालगंज का है, और एक कन्हई यादव है जिनके घर पे था वो मनीष यादव, जिसके यहाँ से मेजर रिकवरी हुई है। इस घटना का में और लोग जो शामिल थे वो ज्ञानेंद्र प्रताप उर्फ अंकित सिंह जो कि UP के बनकट्टा का रहने वाला, वहाँ का हिस्ट्री सीटर है, और एक जो आपको तो बताया कि गुठनी में जो पकड़ा गया वो इस घटना में शामिल था, गोविंद राम। तो ये अभी तक हम लोग का इस घटना से संबंधित पांच लोगों की गिरफ्तारी है, चार यहाँ पे गिरफ्तारी हुई, एक गुठनी में हुई और जिसकी संलिप्तता आई है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में जो FIR में 8 से 9 किलोग्राम सोना की बात कही गई थी और 7 से 8 किलोग्राम चांदी का आभूषण बताया गया था, इसमें जो हम लोग का अभी तक रिकवरी है वो 5 kg और 105 ग्राम के आसपास में है, और भी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 7 देसी पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल भी हम लोग ने सीज किया है और एक बाइक भी सीज किया है। इस घटना में जो हम लोगों ने देखा था उसमें कि कुर्ता पहन के कुछ अपराधकर्मी आए थे, उससे संबंधित एक कुर्ता भी हम लोगों ने इसमें जब्त किया है। तो हम लोग अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी के जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें 35 राउंड्स भी था, तो हमारी टीम ने बहुत ही कम समय में लगभग 12 घंटे के अंदर मोस्ट ऑफ द रिकवरी और मोस्ट ऑफ द गिरफ्तारियाँ की, और बाकी अभी भी अनुसंधान में हैं। तो हम लोग इस पे जो बाकी के एक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं और हम लोग इस जो ड्राइव है उस पर हम लोग जारी रखेंगे। अब देखिए बहुत सारी बातें होती है, देर आर इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, लेकिन फिर भी ये है कि जनरली कभी भी कोई क्राइम होता है तो एक प्रथम दृष्टया पहले एक वन ऑफ द ये होता है कि हम लोग इस घटना में कौन कौन शामिल हो सकते हैं प्रोबेबल्स। तो हम लोग का एक इनपुट था और हम लोगों ने इस तरह की घटना जो खासकर जो इस तरह के MO के लोगों के बारे में पता किया, तो जो कुछ प्रोबेबल नेम्स आए तो उसकी जांच पड़ताल की, इसमें फिर हम लोग को आगे लीड मिलना शुरू हुआ और हम लोग इसमें सफल हो पाए। लूट में मास्टरमाइंड कौन है जो पुलिस? लूट में जो मास्टरमाइंड है अभी तक के अनुसंधान से मनीष है, जो कि उसका गांव का है, उसका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है और उसके पास से मैक्सिमम प्रॉपर्टी रिकवरी हुई है, जो हम लोग को आभूषण या आर्म्स हैं उनके पास ही है। देखिए जो FIR में आपने आपको बताया पहले भी 7 से 8 किलो सोना बताया गया है, सो दैट इज एवरेज, लगभग बताया, रकम उन्होंने नहीं बताया लगभग, क्योंकि उन्होंने भी पूरी ऑडिटिंग तो की नहीं है कि कौन कौन सा, तो एक अंदाज से उन्होंने किया है। और हम लोग का जो रिकवरी है वहाँ की, उन्होंने एक एक ऑर्नामेंट का डिटेल्स तो अभी नहीं दिया है, एक ओवरऑल फिगर दिया है कि 7 से 8 और 8 से 9 किलो चांदी का सामान जो आर्टिकल्स होता है उनका बारे में बताया, तो यही बात है। अमाउंट के बारे में मैं क्या कमेंट करूँगा, लेकिन मैं तो रफली 5 kg 105 ग्राम है,
तो आप उसका मार्केट वैल्यू क्या है, तो डैट गोल्ड आप मार्केट से ही पता चले, गोल्ड का रेट तो वही बताएंगे, आभूषण का क्या रेट होगा प्रोबेबली। सर, सर कितने लोग शामिल थे ओवरऑल? ओवरऑल इस घटना में 9 लोग अभी तक हम लोग को पता चला है और हम लोग कार्य कर रहे हैं, अन्य किसी और की संलिप्तता होगी तो आगे भी। मनीष के अलावा और भी लोग पकड़े गए हैं, उनका पहले से आपराधिक इतिहास? मनीष के अलावा एक सोनू है, सोनू सा, जिसको कि गोरखपुर में इस तरह के स्वर्ण जो गोल्ड ज्वेलरी शॉप थी उसमें इस तरह के लूट में पहले भी संलिप्त रहा है, ऐसी हम लोग को सूचना है। सर, ये पहले से प्लानिंग थी कि प्लानिंग तो रही थी, इन्होंने काफ़ी बार रिकी किया था इस एरिया का, तो पहले शुरुआत में इनके पास कम लोगों के साथ, कम मेंबर्स के साथ इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी, लेकिन चूंकि एरिया भीड़ भाड़ वाला है, थोड़ी दूर पे पुलिस थाना भी है गश्ती पे, तो उन्होंने कुछ नंबर ऑफ टीम मेंबर्स को ज़्यादा बढ़ा के और जो पीरियड होता है शॉप क्लोज का उस तरह से उन्होंने चेंज किया था और घटना को अंजाम देने का। इस घटना के बाद सर व्यवसायियों में काफ़ी दहशत है, तो चूंकि दिन दहाड़े ये घटना घटी थी, तो आपकी तरफ से उस कुछ सुरक्षा की देखिए घटनाएं, तो जहां तक मैं जानना हूँ कि टाउन में ऐसी कोई दहशत वाली कोई घटना पिछले विगत कई महीनों में नहीं हुई है, ये एक अप्रत्याशित घटना थी और पुलिस ने उस पर त्वरित कार्रवाई करके की। घटनाएँ हो सकती है, हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं, गश्ती भी वहाँ पे रहती है, डीएवी, आप लोग भी जानते हैं डीएवी के पास या उस मोड़ में और इतनी कंजेस्टेड रूट में, तो घटनाएं तो एक दो हो ही कभी हो सकती है, लेकिन हम लोग का ये कहना कि दहशत है, आप केसेस देखिए कि नंबर ऑफ केसेस किस तरह के केस आए हैं टाउन में। दिन दहाड़े इवनिंग टाइम में हुआ, दिन दहाड़े इवनिंग टाइम में हुआ है घटना, तो हुआ तो वो तो बगल में जो घटना, कोई भी घटना अगर होती है तो हम लोग के लिए चैलेंज होता है और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि घटना नहीं होना चाहिए, ये तो एक प्रयास तो होता ही है, लेकिन अगर घटना घट जाती है तो बहुत चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर मान लिया जाए किसी ने ठान ही लिया कि कोई घटना किया है तो वो अगर इंटेलिजेंस नहीं मिला या उन्होंने कर लिया, तो प्रयास हम लोग का रहता है कि उसको हम लोग डिटेक्ट कर लें और इसमें हम लोग डिटेक्ट किया। अगर आप दहशत वाली ऐसी बात तो नहीं है, पिस्टल के अलावा कोई आधुनिक हथियार भी सीसीटीवी में कुछ दिख रहा था, कुछ आधुनिक हथियार नहीं, एक आधुनिक ठंड वो एक कार्बाइन की तरह एक दिख रहा था, दैट वाज अ देसी मेट और थंड्रेड कुछ बोलते हैं उसको, देसी कार्बाइन भी कुछ तो बोलते हैं, तो वो अभी इसमें रिकवरी नहीं हुआ है, उसमें हम लोग कर रहे हैं प्रयास। बाकी इसमें अंतर्राज्य गिरोह है, क्योंकि मैं शामिल हूं आपको, अंतर्राज्यीय हीरो मैंने बाहर के भी क्रिमिनल हैं इसमें, तो कोई डॉट नहीं। मनीष सर, एक और गिरफ्तारी गोविंद कुमार राम की दी हुई है इस मामले में गिरफ्तार, या वो इस घटना में शामिल था और वो घटना खरीद करने के बाद गुठी में लीकर लेके भाग रहा था, उसके पास से आर्म्स भी और लीकर भी बरामद हुआ, तो वो गुठनी के केस में उसको गिरफ्तार हुआ था, अग्रतर अनुसंधान में हम लोगों ने इसको कंफर्म किया कि ही वाज इन्वॉल्व इन दिस केस। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी कर, तो 5 कहलाएगी लेकिन इस केस में नहीं, टोटल आपको मैंने बताया कि इस घटना से संबंधित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 यहाँ हुई है, 1 गुठनी हुई है। हाँ, उसके अगले दिन घटना के बाद अपना भाग रहा होगा वो, अपना भाग एस्केप में, तो वो लकीली उस पकड़ा गया, तो बाद में जो हम लोग को जो बाकी लूटते हैं, आखिर पुलिस कर क्या रही थी? देखिए घटना हुई है, इसका तो हम लोग को भी अफसोस होता है कि इस तरह की घटना अप्रत्याशित है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर यहाँ तक बात है गश्ती की, तो गश्ती टाउन में जो भी गश्ती, अभी तो हम लोगों ने एडिशनल गाड़ियाँ भी दी हैं और जो नियर बाय वो जो घटना है वो मेन शॉप पे बहुत सारे ऑनलुकर्स भी थे, घटना की सूचना हम लोग को मिली नहीं और आगे गश्ती था, तो जो वहाँ पे इतनी संकीर्ण गलियाँ हैं, किस गली से भागे तुरंत से, उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गश्तियाँ तो रहती है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम गश्ती तो कहीं एक ही जगह रहेगी ना, तो घटनाएं तो मेन है कि वो प्री इनपुट से ही उस पर कंट्रोल होता है। सर, सीसीटीवी फुटेज में साफ देख रहा है कि काफ़ी देर तक वो बाहर भी हथियार लगा रहे थे, तो वैसे भी कहीं ना कहीं जानकारी तो नहीं। सीसीटीवी का फुटेज मैंने भी देखा है, सीसीटीवी में वो बाहर में आर्म्स लेकर थे,
जो नियर बाय भी लोग थे, तो जो सिक्योरिटी फीचर्स होता है शॉप्स में बर्गलर अलार्म्स, वो भी वहाँ तो था नहीं। अगर वो घंटा अगर मैंने कई बार बोला भी है मीटिंग में कि उनसे भी सिक्योरिटी ऑडिट में कि जो मिनिमम सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो भी अडॉप्ट करना चाहिए। जब इतनी बड़ी शॉप है तो कोई घटना का प्लान किया है तो उससे उसको निपटने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है आपका, मतलब सीसीटीवी कैमरा है, दैट इज वन एस्पेक्ट। देन दूसरा है कि आपके पास बर्गलर अलार्म जो होता है वो अलार्म रखना चाहिए। और घटना जो वहाँ पे इतनी कंजेस्टेड भीड़ थी, वो हथियार तो लहरा रहा था लेकिन ऑन लुकर्स में किसी ने भी सूचना देने की प्रयास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से हटने रहे हैं, लेकिन टुगेदर एज ए सोसाइटी हमको भी इसमें सही से भागीदार होना होगा। अगर इस तरह की घटना अगर आप टाइम पर रिपोर्ट करते, शायद हम इसको आगे से अगले स्टॉप पर रोकने में सक्षम हो पाते। थैंक यू।